बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर लगा है घोटाले का गंभीर आरोप। यह आरोप अरुणाचल में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले दो बांध में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का है। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों के चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा ने रिजिजू, उनके चचेरे भाई और ठेकेदार गोबोई रिजिजू, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉरपोरेशन के कई अफसरों के खिलाफ 129 पन्नों की रिपोर्ट सीवीसी, सीबीआई और ऊर्जा मंत्रालय को भेजी है। हालांकि रिजिजू ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज।